हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जिस दिन का पूरे देश को इंतजार था, 22 जनवरी 2024 कब आएगा, इस देश का हर व्यक्ति ये कहता नजर आ रहा था, आज वो दिन आ ही गया। बता दें आपको कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर रामलला की मूर्ति को स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह आखिरकार इस इतने बड़े कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, जिसके लिए 11,000 मेहमानों को न्योता दिया गया था, जो कल शाम से ही रामनगरी अयोध्या में पहुंच रहे थे। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अयोध्या जाने पर एक बड़ा अपडेट सामने आया था। दरअसल ठंड और खराब सेहत की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर जाना कैंसिल हो गया। इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूरे दिन दिल्ली में रहे हैं, जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों नहीं गए। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को अधिक से अधिक लोग सामूहिक रूप से देख सके, इसके लिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से पूरी दिल्ली में आज खास इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में ही मौजूद थे और अलग अलग मंदिरों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मिलकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिरला मंदिर में पहुंचे थे, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडे वालान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखते नजर आए हैं। दोनों नेता मंदिर में पूजन अर्चन और प्रसाद वितरण के बाद यहाँ पर देखा गया कि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत जय पांडा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सुबह से ये जानकारी सामने आ रही थी, ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि गृह मंत्री आखिरकार इतने बड़े समारोह में देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों मौजूद नहीं। तो इस पूरे सवाल का क्या कारण था, वो जानकारी हमने आपको दे दी है। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे और देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।